हमारे साथ में एक बुजुर्ग उपस्थित हैं एसपी चमार जी, जो आप साहब चलो सॉरी क्षमा चाहेंगे, एसपी चमार साहब। नमस्कार जय भीम साथियों, मैं हूं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों इस वक्त हूं मैं हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली गांव में। हमारे साथ में एक बुजुर्ग उपस्थित हैं एसपी चमार जी, जो आप साहब चलो सॉरी क्षमा चाहेंगे, एसपी चमार साहब बिल्कुल होना चाहिए, ये नरेशन होना चाहिए। जो आप अपने लोगों को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा सम्मान कैसे देंगे। तो हमारे साथ में एसपी चमार जी, इन्होंने अपना दमदार भाषण भी दिया था। तो सर आपकी उम्र कितनी है? अब मेरी उम्र 75 साल है। 75 साल है, लेकिन आपकी बातें बहुत बुलंद लग रही थी, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं आपसे कुछ बात करूं। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो हरियाणा के अंदर है दलितों की स्थिति क्या है, क्या अब तक मतलब बदलाव हुए हैं, और क्या बदलाव की अपेक्षा है जो होने चाहिए अब तक नहीं हुए हैं? देखिए दलितों की स्थिति जो है बिल्कुल ही ख़राब है हरियाणा के अंदर, क्योंकि बदलाव की बात, जहाँ तक बदलाव की बात है, ऐसा है कि हमारे लिए नागनाथ सांपनाथ दोनों बराबर हैं, और हम चाहेंगे कि दलितों का हमें नेता चाहिए, जैसे कि हमारे आज केजरीवाल जी हैं, या ये क्या नाम गौतम जी हैं, और राजेंद्र पाल गौतम जी, और हमारे जो हम चाहते हैं कि भाई बदलाव तभी आएगा जब हम एकजुट होंगे। तो केजरीवाल दलितों के नेता कहाँ हुए? नहीं मैं वैसे, ऐसा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा दमदार काम किया है कि पंजाब में सरकार आने के बाद में सिर्फ सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाया है और सबके हटवा दिए। ये हमारे लिए मान्य है। तस्वीर लगाने से क्या किसी महापुरुष की विचारधारा पे चलने की गारंटी है तस्वीर लगाने से? ऐसा है कि जहाँ बाबा साहब का वो मिलेगा, तस्वीर हमें मिलेगी, बाबा साहब का फोटो मिलेगा, वो हमारे लिए भगवान का फोटो है। जहाँ हमारे बच्चे जिस दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पर बाबा साहब को देख के बड़े खुश होंगे, वो भी उन्हीं की लाइन पर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था कि मुझे भगवान नहीं बनाया जाएगा, मेरी पूजा नहीं करना, मुझे अगर आपको ढूंढना है तो किताबें पढ़िए, किताबों में मैं मिलूँगा। देखिए वो कहते हैं, लेकिन आज जो है ना, आज की जनरेशन, हमारे बच्चे जो है वो सब के सब भगवान माने हैं, उनके वो चले गए या वो सुन नहीं रहे, लेकिन हमारे लिए भगवान वही है। चलो चलो, आपके अपने विचार से आप भगवान की उपाधि दे रहे हैं, ये आपका पर्सनल हित है, लेकिन आप मतलब जो युवा हैं समाज के, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देता हूँ कि भाई शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और समाज में जो अभी 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 इस प्रोग्राम में राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो अभी बताया था कि हिंदुओं की जो नीति है उनको छोड़ो, और हाथ में जो है रस्सी बांधना छोड़ो, तिलक लगाना छोड़ो, और जो है ना अपने बच्चों को शिक्षा दो, यही हमारा जो है ना करते हुए है कि बच्चों को सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गुरु रविदास जी और कबीर साहब, इनका नाम लेना चाहिए। तो अच्छा हुआ कि आपके टेस्ट में पास हो गया, मेरे हाथ में कोई स्वाभाविक उस नहीं है। देखिए ये तो आपकी बहादुरी, मैंने देख लिया था आपको, और इसके लिए आप कर्तव्य और युवा पीढ़ी को भी समझना चाहिए। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि पाखंडों को छोड़िए, अंधविश्वास को छोड़िए। आज का एक ताज़ा मामला तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में जो रथ निकाल रहे हैं, धार्मिक रथ निकाल रहे हैं, उसमें 11 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह के तमाम आयोजनों में, मतलब इस टाइम पर भगवान कहाँ जाता है जब ऐसी घटना घटती है? देखिए ये तो हमारा प्रचार प्रसार शुरू से है कि जब तक जिस फौज के पास खाने के लिए राशन है और लड़ने के लिए हथियार है वो कभी मार नहीं खाती, लेकिन आज हम दलित तो नहीं कहूँगा मैं, शेड्यूल कास्ट जितने हैं इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि हम इनका मुकाबला कर सकें, लेकिन समय ऐसा आया है कि अब हमारा नौजवान तबका इनकी हिंदुओं की जो है बात को समझ चुका है, और वो मतलब अब अपने बाबा साहब के विचारों से सहमत है। बाबा साहब ने तो कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, ये युवाओं के लिए संदेश दिया था, और बुद्ध बनो, बुद्ध लिखो, बुद्ध देखो, उन्होंने धमकी दी चाली। फिर आपने जो टाइटल बनाया है क्या चमार साहब,
क्या है इसके पीछे लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है, मेरा स्वाभिमान है। अभी अभी जो बौद्धिस्ट बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे उनको दलित बौद्ध या दलित मुस्लिम या दलित क्रिश्चन कहते हैं। अभी ये दलित का जो है वो नहीं उठा। ये नैरेटिव आरएसएस का है वो। ये देखो, जो पहले से जो बौद्ध हैं उनके बीच में ये माहौल बनाया जाता है कि जब ये लोग आ जाएंगे तो तुम्हारा वर्चस्व कम होगा। इसमें वर्चस्व की बात है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ बात है वो तो सच्चाई किसी से छुप नहीं सकती है। ऐसा ही ये प्रोपोगेंडा आरएसएस ने रचा था। अच्छा, हमारे यहाँ अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वो जो बुनकर होते हैं जिनका कपड़े बुनने का काम होता है, हमारे यहाँ पे कोरी कहते हैं उन्हें, साग के लिखते हैं, तो ऐसा माहौल बनाया दिया जाता था। अरे यार देखो, साखियों ने यानी कि कोरियों ने तो पूरे सरकारी उन पे संसाधनों का कब्जा कर रखा है। सबसे ज़्यादा मतलब नौकरी कोरियों की है, चमारों को तो कुछ मिला ही नहीं है। इधर चमारों से कहेंगे तुम तो फालतू उनके पीछे लगे हो, चमार देखो कितने राजनीति में आ गए हैं, हर चीज़ में आ गए हैं। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, हमारे लोग उसमें फंस जाते हैं, इनसे बचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको जवाब दिया, भाई एक बात बताइए, मेरा एक मुरैना में एक छोटा सा कस्बा कैलाश, वहाँ पे पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि दो डिस्ट्रिक्ट मुरैना से ऊपर के लगभग सभी देखो शोषण हुआ है एस सी एस टी ओ बी सी का, दलित समाज का। तो एक जगह जहाँ पे मतलब मजबूत है वहाँ पे इकट्ठे होके एक तरह पे रहने लगे। और जब रहने लगे तो इन्होंने सोचा कि ये तो एक ही जगह भी नौकरी लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोपेगेंडा आरएसएस द्वारा फैलाया जाता है। और ये देखो, बौद्ध अगर सच्चाई है, सच्चाई सबको अपनाना पड़ेगा, कोई क्या सोचेगा उससे मतलब नहीं है। फिर भी आप बुजुर्ग हैं उसके नाते आपका एक और संदेश हमें लास्ट बताइए। देखिए ऐसा है कि आपने आखिरी सवाल मेरे से जो किया था कि आपने जो चमार टाइटल रखा है ये मेरा स्वाभिमान है, क्योंकि बिकॉज आई एम सर्टिफाइड चमार फ्रॉम एसडीएम। मैं तो चमार कह रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण जो है जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, वो दो दो बार पंडित शंकर दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा वो लिखते हैं, उनको कोई नहीं टोकता, चमार साहब को आपने टोक दिया। तो चमार के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों चमार रखा आप? कोई डेफिनेशन वगैरह? हाँ, डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दिया। मैं ऐसा कहता हूँ, हिंदी में सुन लीजिए, चय मैं आ रहे, जैसे होता है चमड़ी, मैं से होता है मांस, आ से होती है, तो सबको पता है, ये तो पता है। लेकिन ये हमारी ये जो चीज़ें हैं ना हमारी जो है, ये और लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारे ही चमार हैं। और ये रविदास जी ने कहा है कि तुम चाम के हम चाम के, चाम का जग संसारा, कहे रविदास सुनो विषादो कौन चाम से न्यारा, जो है चाम से न्यारा वो है गुरु हमारा, कहे रविदास खल्लास तुम्हारा। मैं उस बाप का बेटा हूँ जो मेरे बाप को राम राम करते थे, वो जय छूत बोलते थे, तो लोग जो राम राम करने वाले पूछते थे कन्हा जी जय अछूत क्या होता है, तो वो कहते थे काम अछूत है। अछूत का मतलब, अछूत का मतलब हरिजन नहीं, हम जो है ना सूर्य है, अछूत है वो, हम वहाँ मतलब सूर्य तक कोई नहीं पहुँचा, वो भी अछूत है। बिजली है ये भी अछूत है, कोई हाथ लगाए तो मार देगी, आग है वो भी अछूत है। चलो और भी कुछ युवा है उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सर अभिषेक। अभिषेक जी क्या करते हो? सर मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? हाँ जी सर। अच्छा, क्या किस पोस्ट पर? सर ओटी टेक्नीशियन। चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बुद्धिज्म या अंबेडकरवाद से कब से जुड़े हो? मैं तो सर बचपन से ही। बचपन से? हाँ जी। चलो ये बचपन का प्यार है। और भी भाई हैं, क्या नाम है? मोहित जी। मोहित। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ अभी तो। किस क्लास में? बी ए थर्ड ईयर। चलो और भी तमाम लोग यहाँ पर थे सर। अच्छा अच्छा, आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। क्या करते हैं सर? मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। वेटनरी डॉक्टर जी। तो क्या मतलब बुद्धिज्म या अंबेडकरवाद से क्या सीखा, क्या संदेश मिला? वो बाबा साहब ने जो धर्म अपनाया था बुद्धिज्म का, वो एक उनके लिए कारण था, वो अकेले थे उस टाइम पे। आज हमारे साथ इतनी जनसंख्या, हमारे इतने भाई इकट्ठे हो चुके हैं। आपके कहने का मतलब ये, अब बुद्ध धर्म अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बौद्ध धर्म अपनाने की जरूरत पड़ेगी, वो मजबूरी नहीं है। जिस मजबूरी के तहत बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, हम आज इतनी हमारे साथ इतनी पॉपुलेशन इकट्ठी हो चुकी है कि हम बाबा साहब का सहारा लेके, भगवान बुद्ध जी का सहारा लेके, बुद्ध धर्म को अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे अपनी उम्र के युवाओं से? मैं उम्र के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, जैसा आज हमने प्रोग्राम किया है,
ऐसा प्रोग्राम आगे होता रहे और चार भाई हमारे और आगे बढ़े। तो जय भीम साथी, ये थे हरियाणा का सोनीपत जिले में, आप देखते रहिए जनता आवाज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमस्कार।